हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई मज़ेदार चीज़ें। क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है? मेरे हाथ में पैसे? बिल्कुल, यह भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए हैं, ठीक है। हालांकि ये डमी नोट्स हैं, असली के नहीं हैं। डमी नोट्स यानी सेम हूबहू दिखता हुआ, ये उनके डुप्लीकेट जैसे हैं, हूबहू हैं लेकिन असली नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि ये 2000 के नोट्स हैं यानी 2000 के रुपए हैं। इसके बाद हमारे पास है अलग अलग सारे पैसे हैं हमारे पास, देखिए। अब ये है 500 का और ये एक और है और एक और। अब आप देखिए, हमारे पास है 200 के नोट्स और भी है हमारे पास, इन्हें जैसे रखिए। हमारे पास कुछ 100 के नोट्स हैं और भी है हमारे पास, ये 50 के और ये 20। आप सभी नोटों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बिल्कुल सही। ये हमारे पास, रुक जाइए, 10 के हैं। आपने इन्हें पहचाना, क्या लिखा उसमें? 5 रुपीज़, 5। तो ये हमारे पास 5 के नोट्स हो गए। और ये देखिए, आजकल ये चलन मिलते नहीं हैं, हालांकि ये डमी नोट्स हैं लेकिन ओरिजिनल वाले भी आजकल नहीं मिलते हैं क्योंकि चलन में बहुत ही कम है। ये 2 रुपए के नोट्स हैं और आप देखिए, ये अद्भुत प्राणी, हालांकि प्राणी तो नहीं है, भारतीय करेंसी मुद्रा रुपए में 1 रुपए का नोट बहुत कम देखने को मिलता है बाजार में। अब इसका चलन नाम मात्र के बराबर है, गलती से ही हाथ में मिल जाता है। आपने देखा, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भारतीय करेंसी है। ये 2000 के नोट, 500 के नोट, 200 के नोट और यहाँ आते हैं 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1। इन सारे ही नोटों को आपने देखा, ये सारे रुपए आपके देखे हुए हैं। अब इन नोटों को आप अच्छे से पहचान सकते हैं, ये डमी नोट्स हैं आपको पहचानने के लिए। मान लीजिए आप दुकान जाते हैं, यूज कब करते हैं आप? दुकान जाते हैं या कहीं पर कोई सामान खरीदते हैं, जब भी आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। पहले के समय में क्या था, एक सामान लेने के बदले में दूसरा सामान हम लोग दिया करते थे, इसको वस्तु विनिमय कहा जाता था, यानी लेन देन वस्तु के साथ ही, एक वस्तु लेने दूसरी वस्तु देने के बदले में। अब हम क्या करते हैं, सभी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, तो अब इसके जगह हमने मुद्रा का स्थान ले लिया है, मुद्रा को जगह मिली हुई है। अगर हम कोई बाजार में आप जाते हो और 1 रुपए का कोई टॉफी भी आप लेते हैं तो आप ये क्या दोगे, 1 रुपए का नोट दोगे, बदले में आपको वो अब टॉफी मिलेगी जो आपको पसंद है। कुछ और खरीदने जाते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का लगा तो आप 100 का नोट देंगे और उसके बदले में आप वो प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी कुछ भी खरीदने के लिए हमें बाजार में पैसे की जरूरत होती है, यानी बाजार में जाना है तो बिना पैसे के नहीं जा सकते, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। ये बहुत ही कीमती चीज है, वैसे पाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, आपके माता पिता बहुत सारा परिश्रम करते हैं तब जाके ये सारे पैसे आते हैं और उन्हीं पैसों से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इसकी कीमत को भी आप समझिए और ये जानिए कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और एक बात आपको बता दूं, यह पैसे जो आप देख रहे हैं, हालांकि ये डमी नोट्स हैं लेकिन असली के नोट भारतीय सरकार के आदेश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे छापती है, समय समय पर ये निकालती है, वो उसका कार्य क्षेत्र है। और कभी भी आप इस रुपए को, इस डमी नोट की बात मैं नहीं कर रही, असली के नोट की बात कर रही हूँ, कभी भी आप उसे क्षति नहीं पहुँचाएंगे, न फाड़िएगा और न ही किस तरह फेंकिएगा, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह कानून के खिलाफ जाता है। आपको सही तरीके से याद रखना है, कभी भी इस नोट का दुरुपयोग मत करिएगा, यानी इसे न फाड़िएगा और न ही किसी भी तरह से गंदा करिएगा, उस पर लिखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, इससे आप इसकी क्षमता को कम करते हैं और यह दंडनीय अपराध है। ये डमी नोट तो है लेकिन असली नोट को फाड़ना, इस पर कुछ भी लिखना और उसे क्षति पहुंचाना, ये अपराध किस श्रेणी में आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है और पैसे की बर्बादी भी मत करिए। देख रहे हैं ना कि पैसे बड़ी ही मेहनत से आपके माता पिता लाते हैं, तो पैसे की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कि मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती थी, वो तो है ही गया। क्या हुआ, ये क्या आप देख रहे हैं, ये भी है डमी सिक्के, इनका भी अपना एक चलन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी सिक्के देखने को मिलेंगे जो अभी फिलहाल मार्केट में नहीं है, यानी बाजार में आपको नहीं मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ये 1 और 2 देख सकते हैं, 1 का सिक्का 2 का सिक्का, ये 50 पैसे है जो कि अभी चलन में नहीं है। 50 सिक्के के बाद 1 रुपया 2 रुपया और उसके बाद आता है हमारा 10 का है, लेकिन 10 20 20 से पहले हमें 5 का सिक्का चाहिए। हाँ ये रहा,
यानी 50 पैसे के बाद 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। 5 रुपए के बाद सीधे आता है 10 रुपए और उसके बाद ये पीस का। फिलहाल मार्केट में हमने भी नहीं देखे बीस के और आए भी नहीं है, हालांकि जल्द ही आ जाएंगे। इस तरफ देखिए, ये भी सिक्के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा हर सामान 10 रुपए का हो, हम सामान हम 100 रुपए या 500 में, कुछ कम के भी होते हैं तो उस समय यही पैसे, यही सिक्के हमारी मदद करते हैं लेन देन को सही रूप से करने के लिए। अगर हमने 90 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 100 का नोट दिया तो बदले में हमें रिटर्न में ये 10 का सिक्का देंगे। इसके लिए तो इन 10 का सिक्कों का मार्केट में होना जरूरी है। तो ये भी हमारे मुद्रा का एक अहम हिस्सा है। ज़्यादातर करके बाजार में ये बहुत चलते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण, छोटी दुकानदारी में ये सिक्के बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ही खरीदा और बेचा जाता है। इन्हीं के जरिए आपसी लेन देन बहुत ही आसान तरीके से की जाती है। ठीक है बच्चों, अब तक फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।